हेलो व्यूअर्स, मैं डॉक्टर रचना होम्योपैथी फिजिशियन। आज मैं आपको टिरिजियम की कंप्लेन के बारे में बताऊंगी कि टिरिजियम क्या है और किस तरीके से अफेक्ट हो जाते हैं। टिरिजियम एक, इसको सर्फर आइज भी कहते हैं, अनदर नेम इसका सर्फर आइज है। ये आई बोथ आइज में किसी भी आंखों में हो सकता है, किसी भी आइज में या राइट और लेफ्ट में डेवलप हो सकता है। एक तरीके की ग्रोथ होती है, ये पिंकिश टिश्यूज वाटर लाइक ग्रोथ होती है जो कॉर्निया एंड आइज के व्हाइट पार्ट में डेवलप हो जाती है, जिसे कंजेक्टिवा भी बोलते हैं। कंजेक्टिवा और कॉर्निया के बीच में ये लेयर है, टिश्यूज है जो डेवलप हो जाती है, जिसे टेरेजियम कहते हैं। वो पिंकिश रेडिश कलर की भी होती है और ये बहुत सारे कारणों की वजह से हो सकती है, एक्सेसिव लाइट्स की वजह से हो सकती है या हेरिडिटी कंप्लेंट्स की वजह से होती है, एक्सपोजर डस्ट की वजह से हो सकता है, या बहुत सारे केमिकल्स हैं, इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन कंप्लेन है या अदर सिस्टमेटिक डिसीज है, उनके कारण भी ये टेरिजियम डेवलपमेंट हो जाती है इसमें। इसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट बताऊंगी मैं होम्योपैथी। होम्योपैथी इसे कंप्लीट क्योर कहता है इसको। इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत इजीली क्योर होता है, किसी तरीके का साइड इफेक्ट नहीं होता है होम्योपैथी में। आप अगर टेरिजियम से सफ़र कर रहे हैं तो आप होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं। होम्योपैथी में विदाउट एनी साइड इफेक्ट क्योर करता है। ये जो टिश्यूज आइज में हो जाती है, ये नॉन कैंसरियस टिश्यूज होती है, इजिली डिजॉल्व हो जाती है आइज में, बट ये है कि लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हो जाते हैं। टिश्यू को डिजॉल्व करने में थोड़ा समय लगता है। होम्योपैथी में मिनिमम 6 मंथ, 9 मंथ्स, 1.5 ईयर के भी कोर्सेज होते हैं। वो पेशेंट की इम्यूनिटी पर डिपेंड करते हैं। अगर पेशेंट की इम्यूनिटी अच्छी है तो वो जल्दी क्योर हो जाते हैं। और होम्योपैथी में इम्यूनाइजेशन केस टेकिंग कॉन्स्टिट्यूशंस के भी आप पे ट्रीटमेंट होते हैं। आप अगर कॉमन मेडिसिन लेंगे तो उससे ज़्यादा रिजल्ट अच्छे से नहीं आते हैं, क्योंकि आपको 10 to 20% ही इम्प्रूवमेंट आता है। जो लेयर है आइज में, उसको कम्प्लीटली क्योर करना और अच्छे से डिजॉल्व करना, उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है। तो आप कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, डिफरेंट माइंड सेटअप होता है, उनके भी आप फिर ट्रीटमेंट सेलेक्ट करके देते हैं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और क्विकली ट्रीट हो जाते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी होती है, मैडम टेरिजियम क्योर हो सकता है, होम्योपैथी में नहीं हो सकता, तो इसलिए आज मैं आपके सामने टेरिजियम का टॉपिक लेके आई। टेरिजियम होम्योपैथी में कम्प्लीट क्योर होता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। सेकेंड थिंग, पेशेंट पूछते हैं कि कितने दिनों में ठीक होगा, कितना समय लगेगा, बाद में हमें सर्जरी तो नहीं करानी पड़ेगी, ये एक सर्जरी कंडीशन है। तो आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि मेरी जितनी भी डिसीजेज हैं, मैं जितने भी पेशेंट्स क्योर करती हूँ, वो सब सर्जिकल कंडीशंस होती हैं, क्योंकि मैं क्रोनिक इलनेस ट्रीटमेंट करती हूँ। किसी भी ऑर्गेन का जो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, उसे ट्रीट करती हूँ। और ये टिरेजियम एक टिश्यू ग्रोथिंग होती है, नॉन कैंसर ग्रोथ होती है।